यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि अल्यूजन क्या होता है और अल्यूजन की वजूहात क्या होती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम डिफाइन करेंगे अल्यूजन की टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ अल्यूजन। कि अल्यूजन जो है वो कितनी किस्म के हो सकते हैं। अब इसमें एल्यूजन पहले नंबर पे क्या आया हमारे पास, एल्यूजन की जो पहली टाइप है वो है UFO। UFO स्टैंड फॉर अन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। UFO स्टैंड फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि आजकल आपने अभी भी न्यूज़ में सुना होगा UFO के बारे में कि UFO क्या है। अब UFO क्या है कि वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, ये भी एक टाइप है एल्यूजन की। और ये अक्सर जो है ये हमारे जो पायलट हजरात हैं जो फिज़ा में जाते हैं जहाज़ उड़ाते हैं उन लोगों को अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। कि अब ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता क्या है कि जो पायलट्स वगैरह ऊपर जाते हैं जहाँ बुलंदी पे जाते हैं तो उन्हें फ़िज़ा में या कोई ऐसी चीज़ें ऐसी कुछ कह लें कि स्पेस वगैरह कुछ इस तरह का नज़र आता है उनको, कि जैसे उन्हें लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो इन्हें दिखाई दे रही है। लेकिन होता क्या है कि हकीकत में वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो उनको चीज़ों का एल्यूजन हुआ हुआ होता है जो कि फ़िज़ा में अक्सर जो है वो जो भी फ्लाइंग ऑफिसर्स वगैरह जाते हैं या फिर पायलट्स जाते हैं उनको ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक एल्यूजन की टाइप है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है एल्यूजन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एल्यूजन ऑफ मूवमेंट। अब एल्यूजन ऑफ मूवमेंट क्या होती है कि वो चीज़ें जो एक्चुअल में आपको मूव करती हुई दिखाई देती हैं या एक्चुअल में मूव करती हुई ना दिखाई दो, तो एल्यूजन ऑफ मूवमेंट होती है। अब इसमें ये आपकी आ जाए कि इसमें दो टाइप आ जाती हैं, एक होती है अपेरेंट मूवमेंट। ज़्यादातर इसमें जो शुमार होगी वो होगी अपेरेंट मूवमेंट, इसकी सब टाइप है, यानी इसकी सब टाइप है अपेरेंट मूवमेंट। अब अपेरेंट मूवमेंट क्या होती है, कि जो जाहरी तौर पे आपको चीज ऐसा लग रहा होता है जाहरी तौर पे वो आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रही होती। क्या होता है कि वो चीज़ें जो आपको एक्चुअल में स्टक फॉर्म में होती हैं, फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, लेकिन वो जब आप उसकी आपकी नज़र उस पर धोखा खा जाती है वो आपको लग रहा होता है कि वो चीज़ मूव कर रही है जबकि एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रही होती। इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ऑटो काइनेटिक इफ़ेक्ट की, कि ऑटो काइनेटिक इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, ऑटो काइनेटिक इफ़ेक्ट जो है वो इसकी सब टाइप में शुमार होगा। इसमें आप मोशन परसेप्शन या मोशन पैरालेक्स की एग्जांपल लेंगे कि कुछ पिक्स या कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं या कुछ जो आर्टिस्ट वगैरह हैं वो इस तरह की जो है वो पिक्चर्स पोर्ट्रेट कर देते हैं कि जिसमें आपको क्योंकि पता होता है कि ये एक पिक है या ये एक इमेज है, ठीक है, वो स्टक फॉर्म में होता है लेकिन आप जैसे उसे देखते हैं तो आपको फीलिंग आती है वो कि वो मूव कर रही है जबकि हकीकत में वो मूव नहीं कर रही होती। आपकी नज़र में वो ऐसा नज़र आ रहा होता है, आपका विजन ये देख रहा होता है कि वो मूव कर रही है। तो ये भी एक एल्यूजन होता है। जैसा कि इसमें आप मोशन जो मैंने मोशन परसेप्शन या मोशन पैरालेक्स की एग्जांपल दी थी वो आपकी बुक में उसकी पिक मौजूद है तो वो आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको फील होगा कि वो मूव कर रही है, आपकी नज़र उसके ऊपर टिक नहीं।
नहीं पा रही होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह से जो है वो इसमें जो है एक फाइव फेनोमिना की भी एग्जांपल आ जाती है। फाइव फेनोमिना भी आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि फाइव फेनोमिना होता क्या है। फाइव फेनोमिना जैसे कि वो लाइट्स का मैंने आपको बताया था, मोस्टली जो डेकोरेशन के लिए लाइट्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स दे रही होती हैं, जब वो जल रही होती हैं ब्लिंकिंग कर रही होती हैं, कभी जल रही हैं कभी बुझ रही हैं। अक्सर आपको ये डिस्को लाइट्स का जो होती हैं वो भी फाइव फेनोमिना का इफ़ेक्ट देती हैं कि आपको क्योंकि लाइट्स जो लगी हुई होती हैं वो बेसिकली क्या है कि वो स्टक फॉर्म में खड़ी हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही होती, लेकिन जब उस जैसे उनके अंदर करंट दौड़ता है तो उसकी लाइट जो मूव कर रही होती है, ये डिफरेंट किस्म की उसके अंदर जो है वो लाइटिंग और कलर्स आ रहे होते हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको लग रहा होता है कि जैसे लाइट जो है वो मूव कर रही है। तो ये आपको मोस्टली जब कोई बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे होता है, अपना 14 अगस्त की बात हो तो वहाँ पर जब पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी तारीखी बिल्डिंगों को सजाया जाता है तो वहाँ पर इन लाइटों का आपको सामना करना पड़ जाता है, या बाज़ का तब घरों में शादियां होती हैं तो शादियों पे भी लाइट्स लगाई जाती हैं तो वहाँ पे भी ये एक फाइव फेनोमिना का इफ़ेक्ट दे रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, फाइव फेनोमिना सब टाइप ऑफ एल्यूजन ऑफ मूवमेंट है कि हैं। तो आप इसमें ये जो है ये पूरी इसकी मूवमेंट की जो है वो ये सब टाइप्स हैं दोनों। और इसके अलावा एक और तीसरी टाइप भी है जिसे हम कहते हैं गामा फेनोमिना। अब गामा फिनोमिना क्या होता है, गामा फिनोमिना में ये आप ये चीज़ आ जाती है कि जब आप रात के अंधेरे में या रात को को सफ़र कर रहे होते हैं और रोड पे आप खड़े होकर देखें तो अक्सर आपने बोर्ड्स पे लिखा हुआ पड़ा होता है कि लाइट्स को मध्यम रखें, ठीक है, तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि तेज़ लाइट में आप लोग सही चीज़ को देख नहीं पाते और मोस्टली आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़े, क्योंकि आँखों में लाइट पड़ जाती है तो वो लाइट आपकी आँखें इतनी ज़्यादा लाइट की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती हैं जिसकी वजह से आपकी आई का जो विजन का जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है वक्ती तौर पर। तो अब क्या है, गामा में ये होता है कि जब गाड़ी आ रही है, जैसे जैसे गाड़ी दूर से आ रही है तो वो लाइट आपको मूविंग करती हुई दिखाई दे रही है लेकिन वो कम दिखाई दे रही होती है, लेकिन जैसे करीब आती है तो वो लाइट का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब वो हुजम बढ़ जाता है तो हमें फीलिंग ये आ रही होती है कि लाइट मूव कर रही है, जबकि हकीकत में क्या होता है कि लाइट मूव नहीं कर रही होती, बेसिकली गाड़ी मूव कर रही होती है जिसके बिहाफ पे लाइटिंग आपको जो है गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही होती हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है गामा फेनोमिना। इसी तरह से हमारे पास जो है वो थर्ड टाइप आ जाती है इल्यूजन ऑफ स्पेस। बात आती है एल्यूजन ऑफ स्पेस की। एल्यूजन ऑफ स्पेस, स्पेस कहते हैं खाली जगह को, ठीक है। अब ये एल्यूजन ऑफ स्पेस जब हम बात करते हैं तो हमें जो देखें कि अब जब खाली जगह होती है वो हमें जो है वो कम दिखाई दे रही होती है, ठीक है, जबकि इसमें आप एक एग्जांपल तो ये ले लेते हैं कि जब आप कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, सपोज़ दैट के 5 मरले का कोई प्लॉट है, आप जब प्लॉट लेते हैं तो वो आपको जगह कम दिखाई दे रही होती है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, आपका एक घर बन जाता है उसके ऊपर, तो वो घर जब बन जाता है तो वही जगह आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये हमारा जो है वो स्पेस का इल्यूजन होता है, जैसा कि ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने बताई है। अब इस ये फासला और ये फासला जो है वो एक ही है, यहीं पर ये फासला और ये फासला एक ही है, लेकिन जबकि क्या है, ये खाली जगह वाला फासला आपको कम लग रहा है जबकि ये जो फील किया हुआ फासला जो है वो आपको ज़्यादा फील हो रहा है। तो क्या है, हमारा विजन जो है वो खाली जगह को जो है वो कम शुमार कर रहा है और जो फील की हुई जगह है उसे वो जो है वो बड़ा शुमार कर रहा है। तो ये जो होगा ये हमारा एल्यूजन ऑफ स्पेस कहलाएगा। तो इसमें जो हमें नज़र का धोखा होता है वो एल्यूजन ऑफ स्पेस कहते हैं उसको। इसी तरह से हमारे पास जो है वो फोर्थ नंबर पे आ जाता है एल्यूजन ऑफ डायरेक्शन।
एल्यूजन ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास वही एग्जांपल आ जाएगी जो कि हमने डिफाइन की थी लीनियर पर्सपेक्टिव के लिए, कि लीनियर पर्सपेक्टिव में होता क्या है कि लीनियर पर्सपेक्टिव में हमारे पास कह लें कि दो पैरालेक्स लाइंस होती हैं, ठीक है। अब ये दो पैरालेक्स लाइंस जो हैं यूँ कह लें कि जैसे हमारे पास एक ट्रेन की दो पटरियाँ होती हैं, हमें पता है हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें करीब से देखते हैं तो हमें ट्रेन की दो पटरियाँ जो हैं वो दिखाई देती हैं, कि हमें पता है कि दो पटरियों के ऊपर लाइन जो है वो चलती है ट्रेन। लेकिन जैसे ही हम दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो हमें वही पटरी जो है वो साथ साथ मिलती हुई दिखाई दे रही होगी, कि हमें लग रहा होगा कि ये पटरी आहिस्ता 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 क्या है वो आपस में मिल गई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जैसे ही फिर हम करीब जाते हैं तो वो पटरी हमें ऑलरेडी फिर से वो जो है हमें जो है वो दो लाइनों में ही शक्ल दिखाई देती है। यहाँ जब हम दूर से चीज़ों को देखते हैं तो हमें नज़र के धोखा होता है, तो वो गलत परसीव हो जाती है, फॉल्स परसेप्शन होती हैं, वो हमारा इल्यूजन होता है कि नज़र का धोखा, कि हमें वो आपस में मिली हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे हम करीब जाएंगे तो फिर हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये मिली हुई नहीं है बल्कि ये दो पैरालेक्स लाइनें जो हैं वो अलहदा अलहदा से हैं। तो ये हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव का इफ़ेक्ट देती हैं, यानी एल्यूजन ऑफ डायरेक्शन की बात करती हैं। एल्यूजन ऑफ डायरेक्शन हमें इसमें होता है, हमें इसमें डायरेक्शन का जो है वो गलत या हमारी डायरेक्शन में जो है वो फॉल्स परसेप्शन आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूजन ऑफ वेट। जब हम एल्यूजन ऑफ वेट की बात करते हैं तो उसमें भी हमें जो है वो एल्यूजन का सामना करना पड़ता है, फॉल्स परसेप्शन का सामना करना पड़ता है। अब वो किस तरह से होता है, देखिए एक कॉटन का बैग है, 10 kg का जो है वो एक कॉटन का बैग है, वो भी पड़ा हुआ होता है, और एक आप देख लें कि 10 kg का स्टील भी आप रख लें, या वेट होता है जैसे आप जिम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर 10 kg का वेट उठाएँ, तो वो वेट देखने में हमें वो छोटा लग रहा है, साइज़ में वो हमें छोटा लग रहा है, लेकिन वेट में अब वो भी 10 kg है, वो भी 10 kg, यानी कॉटन का बैग भी 10 kg है और वो जो आप वेट उठाते हैं वो भी 10 kg, स्टील का कोई भी वेट आप उठा लें, लोहे का कोई पाइप उठा लें, कुछ भी उठा लें, तो वो हमारे पास क्या है, वो भी 10 kg, क्योंकि वेट में तो सेम है। लेकिन क्या होगा, जो कॉटन का बैग होगा वो हम इजीली उठा लेंगे, उसका वेट हमें कम फील होगा, लेकिन हुजम में वो हमें बड़ा देखने में हमें लग रहा होगा कि शायद बहुत भारी है ये, ठीक है, बहुत बड़ी, क्योंकि वो बड़ा साइज़ में बड़ा होगा। इस तरह से जो एक स्टील का जो कोई पाइप जो 10 kg का होगा, अगर हम उससे उठाएंगे तो वो देखने में हमें वो छोटा शुमार हो रहा है, या 10 kg का कोई वेट हम उठाते हैं जिम में जाके तो हमें वो छोटा शुमार तो हो रहा है, लेकिन जैसे हम उसको उठाते हैं तो उसका वज़न हमें ज़्यादा फील होता है बनिस्बत 10 kg कॉटन के। तो इस तरह जो है वो हमें एल्यूजन ऑफ वेट भी होता है, कि हमारे साथ ये जो एल्यूजन है ये भी हमारे डेली रूटीन में हमारे साथ पेश आते रहते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं एल्यूजन ऑफ फॉर्म की। एल्यूजन ऑफ फॉर्म, अब एल्यूजन फॉर्म कहते हैं शक्ल सूरत की एल्यूजन होना। देखें, सपोज दैट हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में हम एक बॉक्स ले, हमारे पास ये स्क्वायर है एक, ठीक है, और स्क्वायर का हमें पता होता है कि विड्थ और लेंथ में ये सेम होता है, स्क्वायर जो होता है वो विड्थ और लेंथ में सेम होता है। लेकिन जब हम इस पे नज़र डालते हैं तो ये हमें लेंथ में जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है और विड्थ में जो है ये हमें कम दिखाई देता है, ठीक है, यानी लेंथ में हमें लग रहा होता है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, जब हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं विजन जो है वो हमें क्या शो करता है, वो हमें शो करता है कि ये इसकी लंबाई जो है वो इसकी ज़्यादा है और चौड़ाई जो है इसकी कम है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसकी पैमाइश करेंगे तो वो दोनों साइडों से क्या है वो सेम होगी, यानी एक, क्योंकि स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर जो है वो सेम साइज़ का होता है, उसकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से सेम होता है, तो इस वजह से जो है हमें फॉर्म ऑफ परसेप्शन का भी एल्यूजन होता है। इसी तरह से एल्यूजन ऑफ साइज़ की बात होगी तो एल्यूजन ऑफ साइज़ जो है उससे भी हमें जो है फॉल्स परसेप्शन होती हैं।
रिलेशन ऑफ साइज़ में आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि जब हम दूर से चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे हम नज़दीक से उन चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं। सपोज़ दैट कि हम मीनार पाकिस्तान को कहीं दूर से देख लें, लाहौर जाते हैं तो हम दूर से जो मीनार पाकिस्तान का मंज़र देखते हैं तो हमें वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम उसके करीब जाएंगे तो हमें वो उसका विजन जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसी तरह से आप बादशाही किले का दरवाज़ा देख लें तो वो दूर से देखेंगे तो आपको छोटा नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप करीब जाएंगे तो वही चीज़ आपको जो है वो बहुत बड़ी नज़र आएगी। जहाज़ को आप दूर से देखेंगे तो वो आपको छोटा नज़र आएगा, लेकिन जैसे आप उस जहाज़ को करीब से देखेंगे तो वो एक आपको बहुत बड़ा विजन देगा। तो ये जो है ये हमारी टाइप्स ऑफ एल्यूजन है कि हमें मुख्तलिफ तरह की इस तरह की एल्यूजन्स हो सकती हैं या होती रहती हैं, हमें डेली रूटीन में इनका सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि एल्यूजन होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फिर हम दोबारा बाद में डिस्कस